सावर पुलिस दल पर कातिलाना हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में पुलिस ने मामले में लिप्त 9 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 2-3 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उधर मामले में जांच अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी शनिवार को घटनास्थल का मौका मुआयना कर मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि बीते कई माह पूर्व टोंक जिले के ग्राम रामथला के बजरी माफियाओं ने अजमेर जिले के ग्राम बाजटा के पास खारी नदी में अवैध बजरी खनन करते थे। अवैध बजरी मामले को लेकर मौके पर कार्रवाई के लिए गई सावर पुलिस के साथ हाथापाई कर मारपीट का राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले में लिप्त अनेक आरोपियों के खिलाफ मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज किया। उक्त इस पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गत दिवस देर शाम सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे मय पुलिस जाब्ते के सरकारी वाहन व निजी वाहन लेकर क्षेत्र के गांव बाजटा पहुंचे। पुलिस दल को देखकर आरोपी मौके से भागकर अपने गांव रामथला पहुंच गए। पुलिस का दल भी आरोपियों का पीछा करते हुए रामथला पहुंच गए। इस दौरान आरोपियों ने अचानक पुलिस दल पर लाठियों और सरियों से हमला बोल दिया। मारपीट की घटना में थाना प्रभारी पांडे व सिपाही मनोज की चोटें आई। उधर पुलिस दल पर हुए कातिलाना हमले की घटना को लेकर थाना प्रभारी पांडे की रिपोर्ट पर पुलिस थाने में टोंक जिले के देवली पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम रामथला निवासी दुर्गालाल सांवरलाल रामावतार हीरालाल बंटी करमवीर मनोज राजवीर अशोक आदि 9 आरोपियों के खिलाफ नामजद 2-3 अन्य आरोपियों के खिलाफ कातिलाना हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर मामले में जाँच अधिकारी एवं पुलिस उप अधीक्षक केकड़ी शनिवार को सावर पुलिस थाने पहुंचे और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह मय पुलिस जाब्ते के ग्राम रामथला पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। वहीं पुलिस की टीम मामले में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ के लिए रामथला गांव सहित अन्य संदिग्ध स्थानों पर भी तफ्तीश दे रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रकरण में 3 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है और उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।